हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ईवी कैथी जॉर्ज एन. आज हम अपनी बीहाइव बुक का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रीच फॉर द टॉप. सो यहाँ पे आप देखोगे स्टोरी को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं. बेसिकली दो अलग अलग पर्सनालिटीज की ये स्टोरी है. सो पार्ट वन में जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है संतोष यादव. सो संतोष यादव इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बार क्लाइम किया. तो इनकी चाइल्डहुड कैसी थी, स्टडीज वगैरह इन्होंने कैसे करी और जो इनका माउंटेनियरिंग है वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे. सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो. सो बिगिन करते हैं. सबसे पहले शी वॉज बॉर्न इन जोनियावास, रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा में एक रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम जोनियावास है, वहां पे वो पैदा हुई थी. अब बताते हैं कि जिस सोसाइटी में वो पैदा हुई थी वहां पे जैसे पहले की बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते थे जिसमें बेटा पैदा होता था उसको हम बहुत सेलिब्रेट करते थे और बेटी पैदा होने को इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया जाता. तो वो बताते हैं कि जिस विलेज की वो थी या जिस सोसाइटी में वो थी वहां पे बेटियों को ऐसा तो नहीं माना जाता था कि श्राप है, बट इतना उसको ब्लेसिंग की तरह भी नहीं लिया जाता. तो एक स्टोरी उन्होंने बताई कि जब वो उनकी मदर जब उनको बॉर्न होने वाली थी वो तो उनकी मदर किसी कहीं गई होंगी, वहां पे उनको एक प्रीस्ट मिला था जिन्होंने उनको ब्लेसिंग दी थी कि आपका बेटा हो. बट उनकी दादी ने उस टाइम बोला कि नहीं नहीं हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए. तो ये चीज सबके लिए बहुत शॉकिंग थी बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि सब लोग बेटे के लिए ही प्रे करते थे. तो वहां पे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में उनके ऑलरेडी 5 बेटे थे, मीन्स संतोष यादव के ऑलरेडी 5 बड़े भाई थे. तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि उनकी अब एक बेटी हो. एंड देन प्रीस्ट ने जैसा उन्होंने कहा वैसा आशीर्वाद दे दिया और बाकी जो होना होता है वो होता ही है. सो इसलिए वहां पे फिर उनके पास संतोष यादव पैदा हुई. सो उनके उससे बड़े 5 भाई और है, राइट. नाउ अब इनका नाम जब रखा गया तो इनका नेम रखा संतोष, विच मीन्स सेटिस्फेक्शन. हम कहते हैं ना कि किसी चीज का आपको सेटिस्फेक्शन हो जाना, कि आप जो मिल गया उसमें खुश हो जाना, सेटिस्फाइड रहना, तो ये उनके नेम का मीनिंग है सेटिस्फेक्शन. लेकिन वो अपने नेम से बिल्कुल ऑपोजिट थी, जो भी ट्रेडिशनल वेज थे वो सब उन्हें नहीं पसंद थे. जैसे उनकी एज की जो बाकी लड़कियां थी वो जो ट्रेडिशनल एथनिक कपड़े होते हैं वैसे पहनती थी, बट उन्हें शॉर्ट्स पहनना पसंद था. और जो भी सोसाइटी की चीजें थी जो बहुत उन्हें ऑर्थोडॉक्सी लगती थी या पुराने ख्याल की लगती थी वो उन्हें पसंद नहीं थी. तो जब वो अब उसकी उनके जो पेरेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटस उनका काफी अच्छा था, वो इतना मतलब अर्न करते थे कि वो अपने बच्चों को आराम से बाहर इवन दिल्ली जैसी उसमें भेज सकते थे पढ़ने के लिए. लेकिन क्योंकि वहां पे जिस सोसाइटी में वो थे, जिस विलेज में वो थे, वहां के रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे कि जो लड़कियां हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी. तो इसीलिए संतोष को भी जो उनके विलेज का स्कूल था वहीं से ही पढ़ना पड़ा. लेकिन जब वो 16 इयर्स की हुई तब उन्होंने, क्योंकि उनकी एज की 16 इयर्स की जो बाकी गर्ल्स थी उनकी मैरिजेस हो रही थी और उनके पेरेंट्स भी उनकी शादी के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन संतोष बहुत कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने ये बोल दिया था कि जब तक मेरी एजुकेशन अच्छे से जितना मैं चाहती हूँ वो कंप्लीट नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी. एंड देन वो घर छोड़ के चली गई एंड उन्होंने दिल्ली में जाके एडमिशन ले लिया. जब वो एडमिशन करवा के वापस आई तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे. तो अब वो कहती है ठीक है, अगर बहुत पोलाइटली उनको बोलती है कि अगर आप मेरी फीस नहीं भी भरोगे तो मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके अर्न करके अपनी फीस खुद भरूंगी. बाद में लेकिन उनके पेरेंट्स मान जाते हैं, फिर उन्होंने उसको सपोर्ट किया है. धीरे धीरे जब वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, अब जो उनका डिजायर था कि उनको और पढ़ना है इस डिजायर को उनके पेरेंट्स भी, उसके स्पेशली उनके जो फादर है वो सपोर्ट करने लगे थे, वो समझने लगे थे कि जो उनकी बेटी के डिजायर्स है वो उनको पूरा करेंगे. तो उसके बाद दिल्ली में जब उन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करी तो उसके बाद कॉलेज के लिए वो जयपुर चली गई. वहां पे महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और वो रहती थी वहां पे कस्तूरबा हॉस्टल था जहां पे वो रहती थी. तो वो बताती है कि अपने हॉस्टल रूम से जब वो बाहर देखती थी तो वहां पे, क्योंकि उनके हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही अरावली हिल्स थी, तो वहां पे वो देखती थी कि विलेजर्स उस साइड जाते थे और फिर गायब हो जाते थे. तो उन्होंने सोचा कि वो खुद एक बार जाके देखेंगी कि एक्चुअल में वहां है क्या. तो वो जब वहां पे गई तो चलते चलते उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ग्रुप था माउंटेनियर्स का जो माउंटेन को
क्लाइंब कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत पीसफुली उनसे पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। और उन माउंटेनियर ने उनको सिर्फ ज्वाइन करना ही अलाउ नहीं किया बल्कि बहुत ही पॉजिटिव तरह से रिप्लाई करके उनको मोटिवेट भी किया कि आप माउंटेन पे क्लाइंब करके देखो। सो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी मुड़के नहीं देखा और उनको पता चला कि उनको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जब उन्हें लगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो उन्होंने उत्तरकाशी का एक इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहां पे जाके अपने आप को एनरोल कर लिया, वहां पे जाके उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया। अब हुआ ये कि जो उनके कॉलेज के एग्जाम थे, जब वो सितंबर मतलब उनके अप्रैल एंड तक उनको लग रहा था फिनिश हो जाएंगे, लेकिन वो मई मिड तक चले। अब ये हो गया था कि जब उनका लास्ट एग्जाम था उसके एक दिन बाद ही उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना था जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया था, तो वो वहां से जयपुर से अपने घर नहीं गई बल्कि डायरेक्ट उत्तरकाशी चली गई ताकि वो जो ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन कर सके। और वहां से उन्होंने फिर अपने फादर को भी एक लेटर लिखा था अपोलॉजी का, बिकॉज उन्होंने उनको बताए बिना उत्तरकाशी का जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे एडमिशन लिया था, तो उन्होंने उनको एक सॉरी का लेटर भी लिखा था। देन उसके बाद वो बताते हैं कि धीरे धीरे उन्हें क्लाइंबिंग में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, वो इतना अच्छा परफॉर्म करने लग गई। अब हाइट से कोल्ड से वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करने लगी थी, मतलब उनको हैबिट हो गई थी इतनी जल्दी, ना वो हाइट से डरती थी ना ही बहुत ठंड में उनको दिक्कत होती थी, तो वो उन सब चीजों को अडेप्ट करने लगी थी। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, फिजिकली वो बहुत फिट थी, तो इस तरह से उन्होंने क्लाइंबिंग में खुद को आगे किया। एंड एनुअली जो एक्सपीडिशन होता था वहां पे वो क्लाइंब करती थी, वो काफी अच्छा परफॉर्म करती थी। देन जब वो 20 इयर्स की थी, फाइनली 1992 में उन्होंने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट, एंड शी इज दी यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने इतनी कम एज में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। तो वो बताते हैं कि वहां पे उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था लोगों ने, और एक बहुत ज्यादा बड़ी बात थी जो उन्होंने किया था। और बताते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अचीवमेंट्स के लिए थी, वो बताते हैं कि उनके जितने सीनियर्स थे मतलब उस क्लाइंबिंग में जो उनके सीनियर्स वगैरह होंगे जिस इंस्टीट्यूट में थी, वो उनसे काफी इम्प्रेस थे। और उनके साथ के जो क्लाइंबर्स थे जैसे जो उन्हीं की लेवल के थे, वो भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मानते थे कि हाँ वो बहुत हार्डवर्किंग है और उन्होंने बहुत जो अचीव किया है वो अपनी मेहनत से किया है। एंड शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड। वो बताते हैं कि जब उनका एवरेस्ट का जो मिशन था वहां पे उन्होंने एक पर्सन है जिसकी हेल्प करी थी, वो मतलब मरने की हालत में थी तो उनकी उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी जान नहीं बचा पाई थी। बट ऐसे ही एक और थे मोहन से, जिनको वहां पे ऊपर जाके अगेन वो भी उसी सिचुएशन में थे, तो संतोष यादव ने अपना जो ऑक्सीजन है उनके साथ शेयर किया था, अगर वो ऐसा ना करती तो वो भी मर जाते, तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन शेयर करके एक्चुअल में उनकी जान बचाई। तो शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड ऑल्सो। देन वो बताते हैं कि धीरे धीरे आगे चलते हुए उनका इंडो नेपाली वुमेन एक्सपीडिशन में वो एक मेंबर बन गई थी, एंड देन विद इन 12 मंथ्स मींस एक साल के गैप में ही उन्होंने फिर से सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। एंड देन उन्हें वो, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए, उन्होंने माउंटेनियरिंग में इंडिया के लिए एक जगह बना दी थी और इसीलिए उन्हें एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। यू मस्ट नो कि पद्मश्री अवार्ड इंडिया का बहुत ही ज्यादा अच्छा और मतलब वर्ल्ड क्लास वो माना जाता है कि बहुत ही ऊंचे लेवल का एक जो अवार्ड होता है वो माना जाता है, तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। एंड वो बताते हैं वहां पे जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने बताया था कि जब वो टॉप पे पहुंच गई थी तब वो जो फीलिंग है वो रियलाइज होने में उनको काफी टाइम लगा था कि एक्चुअल में ये चीज हो रही है। फिर वो बताते हैं कि जब उन्होंने वो ड्राई कलर निकाल के वहां पे लगाया था, आपने देखा होगा माउंटेनियरिंग में जो भी जाता है या जिस भी टॉप पे जाता है तो वो अपनी कंट्री का फ्लैग वहां पे लगाते, तो वो बताते हैं कि जब वो फ्लैग हवा में झूल रहा था तो वो उनको बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। शी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड एज एन इंडियन। सो उन्होंने वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है कि उन्हें इतना खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। एंड देन वो बताती है ऑल्सो शी हैज ब्रॉट डाउन 500 केजीज ऑफ गार्बेज फ्रॉम, अब जितनी भी उन्होंने जितने भी माउंटेन्स वो चढ़ती थी तो वो क्योंकि एनवायरमेंट से बहुत प्यार करती थी तो रास्ते में वापस आते जितना भी वहां गार्बेज होता था तो वो उसको कलेक्ट कर लेती थी। तो वो बताती है अब तक अराउंड 500 केजीज ऑफ गार्बेज उन्होंने हिमालया से कलेक्ट किया है। ओके, सो शी, दिस वॉज हर स्टोरी। शी वॉज दी, एज यू नो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शी वॉज दी यंगेस्ट वुमेन एंड जिन्होंने ये ट्वाइस माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। सो आई होप आपको इनकी स्टोरी समझ आ गई होगी। इसमें जो जो छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने वो सब आपसे डिस्कस कर ली है। सो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है आप आराम से अटेम्प्ट
कर पाओगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अभी आते हैं हम स्टोरी के पार्ट टू पे.